आरपीडी न्यूज की टीम पहुंची ग्राम पंचायत मानकासर पंचायत समिति बद्दू जिला बीकानेर। नव निर्वाचित सरपंच जय सुखराम सिगड़ ने आरपीडी न्यूज की खास मुलाकात में उन्होंने बताया कि हमारे पंचायत क्षेत्र में विकास कार्य का स्तर अब तक कम रहा है, इसके लिए अधिक से अधिक युवा शक्ति को साथ लेकर विकास कार्य पूर्ण करवाया जाएगा। तो आइए सुनते हैं खास मुलाकात में सरपंच जय सुखराम जी के पंचायत के प्रति विचारों को। आरपीडी न्यूज से मैं बिरबल कड़वा और आज हम पहुंचे हैं ग्राम पंचायत मानकासर के जो युवा प्रतिभावान सरपंच है जय सुखराम जी, उनसे खास बातचीत करते हैं कि उनके मुद्दे और मसले क्या रहेंगे। विशेष तौर से राजस्थान की राजनीति की बात कर रहे हैं तो युवा है वो राजनीति में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं और राजनीति में अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं, समाज के अंदर अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं और साथ ही समाज सेवा के अंदर भी एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभा रहे हैं। तो खास मुलाकात जय सुखराम जी बिश्नोई से। नमस्कार। नमस्कार, जय सुखराम जी, अब आप गांव के लोगों ने सहयोग किया और आप सरपंच बन गए हैं, तो सबसे पहले इन्हें धन्यवाद ज्ञापित करना चाहेंगे। सबसे पहले मैं ग्रामवासी मेरे मान का सर पावर वाले की छत्तीसगढ़ की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद आभार व्यक्त करूँगा। जय सुखराम सुखराम जी, पहले भी आप किसी पद पर रहे हो, फर्स्ट टाइम राजनीति में हो? मैं पहले युवा मोर्चा जिला उपाध्यक्ष एक बार का युवा मोर्चा प्रदेश कार्य समिति सदस्य। कुल मिला के राजनीति का ज्ञान ये अच्छी तरह जानते हैं, बड़ी परिपूर्ण रूप से परिचित है कि राजनीति क्या चीज़ है। राजनीति को आप किस एंगल से लेते हैं? राजनीति में अगर शुद्धता हो जी करने वाले में जी तो राजनीति मिलता है जनता की सेवा करने की। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही कि राजनीति में अगर अच्छा प्लेटफॉर्म मिले तो युवा बिल्कुल हर तरह से आगे बढ़ेंगे और सहयोग करेंगे। और इसके अलावा विशेष तौर से जैसे आपने कहा कि राजनीति का जैसे आपने नाम लिया है, तो विशेष तौर से राजनीति के अंदर भी कई प्रकार के गुण मिलते हैं, करप्शन जैसे आप बड़े राजनेताओं को आप देखा होगा, उनको अलग अलग दृष्टिकोण से देखा जाता है, उनके बारे में क्या कहेंगे आप? यो करप्शन तो एक बहुत बड़ी बीमारी पैदा हो चुकी है अपने भारतवर्ष में, तो मैं युवा होने के नाते उसके खिलाफ सख्त हूँ। क्योंकि जय सुखराम जी, मैं आपकी बात काटना चाहता हूँ, क्योंकि अपने विशेष तौर से बात करते हैं चुनाव के अंदर धन बल बाहुबल बहुत से ऐसे प्रयोग किए जाते हैं और चुनाव भी जीते जाते हैं, उनको लेकर क्या टिप्पणी करना? उनके लिए टिप्पणी तो यही है कि यह सबसे पहले जनता को जागरूक करने का काम है जी जी। इसमें जनता अगर जागरूक होगी तो ये कोई भी करप्शन है तो सब खत्म हो जाएगा जी जी। सबसे पहले मैं युवा होने के नाते और सरपंच पद पर होने के नाते मैं मेरी ग्राम पंचायत के जितने भी ग्रामीण और जितने भी हैं उनको सबको जागरूक करूँगा कि कोई भी करप्शन के नाम पर किसी को एक रुपये भी ना दे, अगर कोई मांगे तो तुरंत मुझे बताएं। आपके मन में ख्याल कैसा है कि मैं सरपंच बनूँ? वो तो ऐसे है कि जनता की सेवा करने का, जैसे राज्य सरकार की केंद्र सरकार की मैं ये भी पहले देख चुका हूँ कि हज़ारों ऐसी योजनाएं आती है जो प्रत्येक आम नागरिक शोषित पीड़ित को मिलने का उनका हक भी मिलने के लिए, लेकिन वो गांव तक पहुँचते पहुँचते ख़त्म हो जाती है जिला स्तर पर भी। तो मेरे मन में यही आया कि मैं सरपंच बन के गाँव की सेवा करके किसी भी गरीब आदमी का हक। आजकल जैसे राजस्थान की राजनीति की बात करते हैं तो युवा ज़्यादातर राजनीति मारे, तो क्या युवाओं पर विश्वास करना सही है या गलत? युवाओं पर विश्वास करना सही, युवा में जोश है, ऊर्जावान है, उनमें काम करने की तमन्ना और ललक जी जी। तो युवाओं को आगे आने, युवा ही 21वीं सदी का भारत। मानकासर पंचायत को आप किस रूप में देखना चाहते हैं अपने? मानकासर पंचायत को मैं राजस्थान में पहली पंचायत बनाना मेरा पहला लक्ष्य रहेगा, जिसमें राष्ट्रपति सम्मानित करे। बिल्कुल, स्वच्छता में, शिक्षा में, नारी शक्ति में, सब तरह से मैं मेरी मानकासर पंचायत को निर्मल ग्राम पंचायत बना के गाँव वालों को तोहफा देने की मेरी तमन्ना। बिल्कुल, साथ में हम ये भी देख रहे हैं कि आपके साथ युवा साथी है, युवा बेरोजगार है, दूसरी तरफ नशे की लत भी आपको पता है एक तरफ आ रही है, तो उनको उनके लिए आपके क्या शब्द है? नशा और बेरोजगारी दोनों एक साथ साथ चल रही है। जो बेरोजगारी की वजह से नशे की लत है, और नशे की प्रयास यह रहेगा कि अपने जो अपने हस्तकला के आधार पर जितने भी कार्य होंगे युवाओं को रोजगार देने के जिला स्तर पर गवर्नमेंट सरकार भारत सरकार ने भी युवाओं को बेरोजगारी मिटाने के लिए हर तरह से मदद कर रखी है, तो उनका भी सहयोग उनको दिलवाएंगे और नशे के लिए स्पेशल कैंप लगा के लोगों को नशा छुड़वाएंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, युवा शक्ति युवा सोच, ये इनका कहना है कि नशा ग्राम पंचायत को नशा मुक्त करवाना है, साथ ही जो युवा है उनको भी रोजगार देने की बात कर रहे हैं। वर्तमान में जैसे आपने बात की महिलाओं की, महिलाओं पे शोषण हो रहे हैं, अत्याचार हो रहे हैं, सरपंच की इसमें अहम भूमिका बढ़ जाती है, चाहे बाल विवाह देखो बहु विवाह, वर्तमान में सरकार ने मृत्यु भोज जैसी कुप्रथाओं पे रोक लगाया, इसमें सरपंच की अहम भूमिका होती है। कई सरपंच ठीक है एक खाली नाम मात्र समझते हैं, ठीक है सरकार का आदेश आ गया है उस पर कोई अपने ज़्यादा ध्यान नहीं देते, इसको लेकर क्या कहेंगे? तो सरकार की जो योजना है
ज़्यादा निगाहने में सोचते हैं कि ये हम खर्च करें वो करें वो, लेकिन उनको समझाएंगे, उनको पते घर पे जाके आम सभा इसी गांव में महीने में मीटिंग करेंगे, उनको समझाएंगे भाई मृत्यु बोझ पर है जो बंद करो, इसमें ज़्यादा इससे अच्छा किसी बालिका की शिक्षा पर बढ़ावा दो, नशाखोरी के खिलाफ करो, इस तरह उनको समझाइश करके उस पर भी लगाम लगाएंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की जय सुखराम जी ने कि ग्राम पंचायत में हमारे आज ही पुराना सिस्टम जो चल रहा है, मृत्यु बोझ है, बाल है, बहु है, देश पर था नारी पर जो अत्याचार है उनको लेके भी हम हमेशा स्टिक रहेंगे। साथ में इनके जो साथी है युवा शक्ति है उनसे बातचीत करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। पूरा परिचय सर आपका। देशराज जी क्या कैसा अनुभव कर रहे हो? आपने आपकी सरपंच जय सुखराम जी को भारी मतों से जिताया है, क्या भावना रखते हैं पंचायत के प्रति आगे? अच्छा महसूस कर रहे हैं, युवा शक्ति है, अच्छी बारे में सोच रहे हैं, अच्छा काम करे, जनता का काम करे, हमें पर्सनल तो काम से कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल, जनता का और पंचायत का विकास होना चाहिए। आपको लगता है बिल्कुल जय सुखराम जी युवाओं के लिए सोचेंगे, गरीबों के लिए सोचेंगे? जरूर, बेसारों के लिए पूर्ण विश्वास है। बिल्कुल पूर्ण विश्वास करते हैं। बहुत अच्छी बात की इनके साथी है वो भी बहुत अच्छी इनके सोच है कि हमने जो सरपंच चुना है बिल्कुल युवा सरपंच चुना है और वो हमारे साथ हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होंगे। साथ ही उप सरपंच महोदय हमारे साथ है, उनसे बातचीत करते हैं। धन्यवाद है। उप सरपंच साहब क्या कैसा महसूस हो रहा है? बिल्कुल दोनों साथी आप खड़े हो, पंचायत की जो मुख्य कड़ी होती है सरपंच और उप सरपंच, कैसा अनुभव हो रहा है? बढ़िया अनुभव हो रहा है। आपको युवा सरपंच मिला है बिल्कुल, तो क्या कहेंगे? जनता की सेवा करेंगे, विकास करेंगे, मिलजुल के। बहुत अच्छी बात है। उप सरपंच साहब का भी यही कहना है कि पंचायत में जो बारीक से बारीक समस्या होती है लोगों के हित से कार्य वो हम करवाएंगे, सरकार के द्वारा जो भी जन कल्याणकारी योजना है उनका लाभ पहुंचाएंगे। धन्यवाद सरपंच साहब, आप इन समय दिए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।